Hello dear students, once again welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on regular solid cube. So course outcomes, calculate problems based on measurement of regular closed figure and regular solid. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to identify the regular solid. Question में कौन सा solid दिया हुआ है ये आप identify कर सकते हो. Use the formula of regular solid cube. Regular solid cube का आप formula use कर सकते हो, total surface area and volume का. And calculate the total surface area and volume of cube. फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जांपल्स ऑन रेगुलर सॉलिड्स. तो हम रेगुलर सॉलिड्स के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने क्यूबॉइड के एग्जांपल सॉल्व किए. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूब के भी एग्जाम्पल सॉल्व किए. उसमें प्रीवियस वीडियो में क्या कैसे एग्जांपल सॉल्व किए हमने, फाइंड टोटल सरफेस एरिया या फिर उसे सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो क्यूब कैसे होता है, उसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे वॉल्यूम होता है, ठीक है. तो इसीलिए अब देखिए आज के लेक्चर में हम और नया एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं. सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ऐसे दो अलग अलग एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे. अब देखिए यहाँ पे उसका मिक्सचर है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया एज 661.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये कभी सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. तो अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड गिवन है टोटल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला देखना चाहिए. क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है, यानी ए क्यूब. तो उसके लिए साइड गिवन होनी चाहिए. तो सामने देखते हैं क्वेश्चन में साइड गिवन है या नहीं है. सो गिवन तो सामने है टोटल सरफेस एरिया, मतलब साइड तो नहीं है. तो क्या हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला का यूज़ करते हुए साइड फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, यानी 6a स्क्वायर की ये वैल्यू है. तो वहाँ से हम साइड फाइंड कर सकते हैं. एंड एक बार हमें साइड मिल गई तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम. तो बस सबसे पहले हम लिखते हैं क्या गिवन है. सो गिवन फाइंड करना है वॉल्यूम, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. अब देखिए टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना है, वो 661.5 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ये गिवन लिख दिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है. तो उसी का यूज़ करते हुए हम ये एग्जांपल फाइंड करेंगे. सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का, 6 × साइड का स्क्वायर होता है. ये फॉर्मूला हमने लिख दिया. क्यों हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही गिवन है, टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया इज ये गिवन है, इसलिए हम ये फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं. फॉर्मूला लिख दिया. अब जिसकी वैल्यू आपको पता है वहाँ पे वो वैल्यू हम पुट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेकिन ये वैल्यू तो हमें पता है कितनी है,
661.5, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 661.5 इक्वल का साइन 6 into a square। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 को इस साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 6 अभी मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। यस, सो देयरफॉर 661.5 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब हम कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 661.5 डिवाइडेड बाय 6, तो 661.5 अब डिवाइडेड बाय, इसके लिए आप दूसरे बटन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए एक बटन दी हुई है, या तो इस बटन का यूज़ करें या फिर हम डिवीजन, जो यहाँ पे ये बटन नज़र आ रही है आपको, डिवीजन साइन देखिए सिंबल यहाँ पे, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 661.5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये डिवीजन का बटन मैंने दबा दिया, डिवाइडेड बाय 6 दबा दिया और लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस कर दी। अब देखिए ये फ्रैक्शन में बता रहा है 441 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें तो वैल्यू पॉइंट में चाहिए, तो डिलीट के ऊपर ये एस डी की बटन है, ये हम दबा देंगे। तो ध्यान से देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, 110.25। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 110.25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है, ए हमें साइड चाहिए है, ठीक है। तो ये जो है हम इस साइड में और ये टर्म उस साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। सो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 110.25। लेकिन हमें ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं, हमें साइड चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा एंड सामने वाली टर्म कहाँ चली जाएंगी, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं लिख रही हूँ, सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू 110.25। एक्चुअली स्क्वायर रूट लिखने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर 2 हमें हटाना है तो ये 2 इस साइड में जाने के बाद क्या हो जाता है, पावर में 1/2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन सामने चलने के बाद हो सकता है आपको क्यूब मिल जाए, तो वो क्यूब का क्या करेंगे आप, स्क्वायर का तो ठीक है आप यहाँ अंडर रूट में ये टर्म डाल सकते हो, स्क्वायर रूट लगा सकते हो, लेकिन क्यूब रहा तो उसे कहते हैं क्यूब रूट में टर्म डालना, यहाँ पे फोर्थ रहा तो यहाँ पे फोर्थ रूट में टर्म डालनी पड़ती है। तो इसीलिए ये याद रखिए, अगर यहाँ पे 2 है तो इस साइड में जाने के बाद वो 1/2, एंड 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, अंडर रूट। सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू अंडर रूट, रूट में पूरी टर्म चली जाएंगी, ये 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट 110.25, ठीक है 110.25। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब ये यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण सामने वाली टर्म रूट में चलेगी। अब हम कैलकुलेटर में वो वैल्यू डालेंगे, तो ध्यान से सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है हमें, स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ स्क्वायर रूट की बटन दबाएंगे, कहाँ है स्क्वायर रूट की बटन, देखिए ध्यान से यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है क्योंकि कोई भी नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। चलिए तो हम ये बटन प्रेस करते हैं, ध्यान से देखिए प्रेस कर दी, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट एंड अंदर ये ब्लैंक ब्रैकेट है। अब ये जो ब्लैंक ब्रैकेट है, यहाँ पे नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे है 110.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110.25 डाल दिया, ध्यान से देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर यही टर्म डाली है, और लास्ट में हम इक्वल की बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए वो फ्रैक्शन में बता रहा है हमें पॉइंट में चाहिए, तो हम डिलीट के ऊपर की एस डी की बटन दबा देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 10.5। यस, तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर ये ए लेफ्ट हैंड साइड में ए इक्वल्स टू कितना आया हुआ है, 10.5। सो 10.5 इस तरीके से हमने ए फाइंड कर लिया, एंड ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। सो अब साइड तक तो हम पहुंच गए, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम।
तो डियर स्टूडेंट हम साइट तक कैसे पहुंचे हैं, हमें गिवन है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हमने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया का पूरा फॉर्मूला। अब लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट कर दी, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला है 6a² ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 मल्टीप्लीकेशन में है, कहाँ जाएगा डिवीजन में चला गया, ये कैलकुलेटर में वैल्यू डालने के बाद ये आंसर मिला है। अब हम ये साइड ये टर्म इस साइड में लिखी, ये टाइम इस टर्म इस साइड में लिखी है, अब हमें सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर इस साइड में हटने के बाद यहाँ पे कैसे आता है 1/2, अगर 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, ठीक है, एंड 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, अंडर रूट, तो ये पूरी टर्म कहाँ चली गई अंडर रूट में, 110.25 टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट, स्क्वायर रूट 110.25, और कैलकुलेटर में वैल्यू डालने के बाद ए की वैल्यू कितनी आई है 10.5। क्या किया, पहले हमने स्क्वायर रूट की बटन प्रेस की, फिर उसमें ये वैल्यू डाल दी एंड लास्ट में इक्वल की बटन दबा। अब हम फाइंड करेंगे इसका यूज़ करते हुए वॉल्यूम, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आई है 10.5 का क्यूब, तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू कैसे डालते हैं, हम दो तरीके से डाल सकते हैं, या तो 10.5 × 10.5 × 10.5 थ्री टाइम्स क्योंकि पावर 3 है, या फिर 10.5 हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, ध्यान से देखिए 10.5 डाल दिया एंड पावर कितना है वहाँ पे 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, अगर 2 होता तो हम ये बटन प्रेस करते, उससे ज़्यादा है तो ये ब्लैंक, ठीक है, देखिए बटन मैंने दबा दी, ब्लैंक ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम क्या डालेंगे पावर 3, तो मैंने 3 के बटन यहाँ पे प्रेस कर, तो देखिए 10.5 टू द पावर 3 और लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी, तो देखिए कैलकुलेटर हमें फ्रैक्शन में आंसर बता रहा है, तो हम ये डिलीट के ऊपर की HD की बटन दबा देंगे, तो देखिए 1157.625, ठीक है, तो जो आंसर आया अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो आंसर आया है हमारा 1157.625 एंड यहाँ पे हमें यूनिट लिखना है, तो यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम होने के कारण क्यूब, तो इस तरीके से ध्यान से देखिए कैलकुलेटर में वही आंसर है 1157.625 सेंटीमीटर क्यूब, सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, ठीक है, सो लास्ट में लिखेंगे हम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1157.625 सेंटीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट अगर हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम तक पहुंचना है, तो ये स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया के ऊपर से हमने ए फाइंड कर लिया एंड वॉल्यूम में वो ए की वैल्यू हमने डाल दी, ए यानी साइड ऑफ क्यूब, तो हमें क्या मिल गया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं, यहाँ वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है एंड एरिया गिवन है, हो सकता है आपको एरिया गिवन रहेगा, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम गिवन रहेगा एंड एरिया फाइंड करने के लिए भी कहा जा सकता है, तो सेम प्रोसेस से जाना है आपको, पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, उसके ऊपर से ए फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, सो ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं, देखिए यहाँ फिर से फाइंड द वॉल्यूम इफ टोटल सरफेस एरिया इज दिस 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, अभी जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए स्टूडेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस CC यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप देखेंगे कि ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है फॉर्मूला उसका, 6
ए स्क्वायर, यस। तो आपको साइड चाहिए, साइड तो गिवन ही नहीं है, क्या गिवन है, वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट यहाँ पर केयरफुली करना है आपको, यहाँ गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी क्या होता है ए क्यूब, ठीक है। तो आपको ए क्यूब की वैल्यू ये गिवन है, ध्यान से देखिए ये वैल्यू किसकी है, ए क्यूब की, ये जो लिखा हुआ ना ये किसकी वैल्यू है, ए क्यूब की। तो इसके ऊपर से आप ए फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ ए ही रहेगा और ये जो थ्री आपको नज़र आ रहा है ये इस साइड में जाने के बाद बताइए क्या हो जाएगा, यस पावर में चला जाएगा 1/3। एंड कैलकुलेटर में आपको वो टर्म डालनी है, चाहे तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए रहेगा और ये थ्री इस साइड में, देखिए ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ ए उसी साइड में रहेगा एंड 4, 4, 8 अंडर रूट 7 भी वही रहेगा। अब देखिए ये जो थ्री है इस साइड में आने के बाद क्या होता है, 1/3 रिवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है वहाँ पे 1/3। अभी अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया वहाँ पे स्क्वायर था तो क्या हुआ था 1/2, तो उसे हमने अंडर रूट में लिख दिया था। 1/3 यानी क्यूब रूट होता है, यानी रूट और यहाँ पे 3 रहता है, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए अगर ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर में डालनी है तो आप कैसे डालेंगे, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, चाहे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो टर्म नज़र आ रही है पहले वो हम लिख लेंगे, कितने 4, 4, 8, तो ध्यान से देखिए 4, 4, 8, ठीक है, इंटू रूट 7 है। अब रूट का बटन कहाँ पे है, यहाँ देखिए ध्यान से रूट 7, ध्यान से देखिए, अब 4, 4, 8 रूट 7 डाल दिया, ध्यान से देखिए ये टर्म 4, 4, 8 रूट 7। अभी पूरे टर्म का पावर 1/3 है तो क्या करेंगे हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। तो ये जो बटन नज़र आ रही है यहाँ से हम सामने आ जाएंगे, देखिए आगे 8, 4, 4, हाँ यहाँ एक ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये बटन दबा दी तो ये ब्रैकेट के अंदर चला गया, यहाँ भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। चलिए इससे वापस वहाँ जाते हैं, देखिए चले गए, अब ये ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, वो ब्रैकेट रूट के अंदर आ गया, तो डिलीट करके हम पहले बाहर निकलेंगे, यानी ये बटन से पूरा बाहर निकल जाएंगे, हाँ रूट के बाहर तक जाना है। अब देखिए ब्रैकेट को कर दिया मैंने क्लोज, ध्यान से देखिए क्या किया, पहले आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो 4, 4, 8 अंडर रूट 7, फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए इसका पावर कितना है 1/3, अब इसका भी पावर 1/3 लगाना है तो क्या करेंगे आप, पावर 1/3 है, 2 से अलग है वो, तो कौन से बटन दबाते हैं हम, ये वाले, ये बटन मैंने प्रेस कर दी। आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक पैकेट आ गया, अगर मुझे 1/3 डालना है क्योंकि यहाँ 1/3 है, तो 1/3 यानी एक टर्म न्यूमरेटर में है एक टर्म डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बटन मौजूद है, तो ये बटन मैंने प्रेस कर दी, देखिए ऊपर नीचे टर्म आ गई। अब ऊपर डालना है 1, सो ये 1 दबा दिया, नीचे उतरना है यहाँ से उतरेंगे और यहाँ पे क्या डालना है 3 डाल दिया, देखिए ध्यान से पूरी टर्म ये 4, 4, 8 अंडर रूट 7 टू द पावर 1/3, 4, 4, 8 रूट 7 टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे इक्वल की बटन प्रेस करनी है, देखिए 10.58 आ गया, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी ए की। तो इस तरीके से आपको ए मिल जाएगा एंड फिर आप वॉल्यूम तो फाइंड ही कर सकते हो, उस ए का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। उसी तरीके से ये एग्जांपल भी सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को आप रिवर्स करिए, उसे समझिए कैसे एग्जांपल है, क्या गिवन है, किसका यूज़ करते हुए आप साइड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड वो पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आपको ये पूरे असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन रेगुलर सॉलिड क्यूब। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।